हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि Yamaha के वॉइस सर्च के बारे में। अगर आपके पास Yamaha का टीवी है और उससे वॉइस सर्च का प्रॉब्लम आ रहा है, आप जब भी गूगल असिस्टेंट का ये बटन प्रेस करते हो और आप कुछ भी बोल देते हो तो वहाँ पर वॉइस सर्च नहीं होता, तो ये कुछ बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। इसे टेक्नीशियन को बुलाने की ज़रूरत नहीं है, आप उसे घर पर भी सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर सेटिंग होती है अपनी टीवी की, सेटिंग पर क्लिक कीजिए और एडिशनल सेटिंग को ओपन कीजिए। अब यहाँ पर रिमोट और एक्सेसरीज लास्ट ऑप्शन है, उसे ओपन कीजिए और जो अपना रिमोट टीवी को कनेक्ट है उसे अनपेयर कीजिए, उस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर अनपेयर का ऑप्शन आ जाएगा, उसे क्लिक कीजिए और ओके कीजिए। अब ये करने के बाद आपका रिमोट डिसकनेक्टेड हो जाएगा, टीवी से ये कनेक्ट नहीं होगा। तो इसे स्टैंडर्ड प्रोसीजर की तरह होम की बटन दबाकर आप उसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो आपका रिमोट कनेक्ट होने के बाद फिर से आप सेटिंग से बाहर आइए और फिर से वॉइस सर्च करने का ट्राई कीजिए, आपका टीवी वॉइस सर्च वर्क हो जाएगा।